हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल बीवे। तो आज मैं आपके लिए कंपैरिजन लेकर आया हूं लूम सोलर 375 वाट मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और साथ ही साथ ल्यूमिनस 370 वाट मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। तो आज मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखाऊंगा क्योंकि अभी काफी अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो धूप काफी तेज है, तो हम तेज धूप में इसकी टेस्टिंग करते हैं और इससे आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है। तो इससे पहले मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं इन पैनल्स के बारे में, तो अगर आप यह पैनल परचेस करना चाह रहे हैं तो वो मेरे सारे वीडियो आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। यह दोनों ब्रांड्स के पैनल मैंने UTL गामा प्लस के साथ भी कंपेयर किए हुए हैं, तो आज मैं इन दोनों सोलर पैनल को कंपेयर करूंगा मल्टीमीटर के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस स्टिकर को समझ लीजिए, ये सोलर पैनल के पीछे लगा होता है स्टिकर। तो यहाँ पर यह 340 वाट लिखे हुए हैं, यह 340 वाट ये सोलर पैनल तब देता है जब सोलर पैनल इन्वर्टर से कनेक्ट होता है। तो इस समय जो हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सोलर पैनल इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है तो ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम VOC का यूज़ करेंगे वोल्टेज को कैलकुलेट करने में। और जब सोलर पैनल इन्वर्टर से कनेक्ट होता है तो मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो आपके सामने लिखी हुई है VMP, यह रह जाती है VOC घटकर VMP में कन्वर्ट हो जाती है और यह 38.48 के आसपास हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, तीनों पैनल पर धूप समान रूप से लग रही है और पैनल काफ़ी गर्म है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है पैनल का। ये देखिए, पैनल का टेम्परेचर काफ़ी हाई है क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। ये है 375 वाट का लूम सोलर मोनोक्रिस्टलाइन, 370 वाट का ल्यूमिनस मोनोक्रिस्टलाइन और यह 340 वाट का लूम सोलर मोनोक्रिस्टलाइन। तो ये सारे के सारे पैनल मोनोक्रिस्टलाइन है। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे 375 वाट और 370 वाट के मोनो पैनल का। तो सबसे पहले हम वोल्टेज और एम्पियर देखते हैं ल्यूमिनस के पैनल का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये 3-in-1 MC4 कनेक्टर है। तो यहाँ से नीचे से जो वायर निकल रही है ये मल्टीमीटर की तरफ जाएगी वायर, और यहाँ से देखिए जो 340 वाट के पैनल की वायर आ रही है वो मैंने नेगेटिव को हटा रखा है। ये देखिए, 340 वाट का पैनल की वायर छोटी हो रही थी तो मैंने एक्स्ट्रा कनेक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर 340 वाले का मैंने सर्किट ब्रेक किया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा रेड वायर के पास में। और पीछे आपको दिख रहा होगा कि एक वायर निकली हुई है, जमीन से टच कर रही है। तो ये पॉजिटिव कनेक्टर है लूम सोलर का, 375 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का। आपको पीछे कनेक्टर दिख रहा होगा, पॉजिटिव कनेक्टर जो कि ऊपर पैनल से निकल रहा है। तो यह लूम सोलर का 375 वाट का पैनल है। अब हम यहाँ पर ल्यूमिनस के सर्किट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दोनों पैनल के सर्किट को मैंने ब्रेक किया हुआ है। तो इस समय हम ल्यूमिनस के मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की हम टेस्टिंग करेंगे। तो यह 370 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को मैंने मल्टीमीटर से अटैच कर दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो इनके कंपैरिजन का वीडियो मैंने UTL गामा प्लस के साथ भी बनाया हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ल्यूमिनस का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 3 वोल्टेज हैं। चलिए वोल्टेज को अब हम स्टेबलाइज करते हैं, थोड़ी समय के बाद हम देखते हैं कि कितना वोल्टेज होता है। ये जाता है 41.6 वोल्ट। अब हम इसके एम्पियर हम चेक करते हैं ल्यूमिनस के 370 वाट मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर तक एम्पियर चेक करते हैं और जितने मैक्सिमम एम्पियर होते हैं उसी को ही हम स्टैंडर्ड मान के हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है। अभी मैं आपको धूप भी दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। और यहाँ पर जो एम्पियर है वो घट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो सबसे हाईएस्ट एम्पियर जाते हैं उन्हीं को ही हम स्टैंडर्ड मानकर कैलकुलेशन करेंगे
वाटेज के लिए, और जो वाटेज कैलकुलेट होकर आएंगे वो ओपन सर्किट वाटेज कैलकुलेट होकर आएंगे। इसका मतलब है कि पैनल इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है, तब जाके हम जो वाट निकल के आती है वो कहलाती है ओपन सर्किट वाट। तो ये बहुत ज़्यादा निकल के आती है जब पैनल इन्वर्टर से कनेक्ट होते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होइए इसमें कि वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो जितना वोल्टेज और जितना एम्पियर मैं मल्टीमीटर में देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। ये तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। तो अगर हम इसको इन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज थोड़ी कम हो जाएंगे, जैसा कि अभी आप देखना कि कितनी ज़्यादा ल्यूमिनस की वोल्टेज कैलकुलेट होकर आएगी। तो यहाँ पर एम्पियर घट बढ़ रहे हैं। तो जो वोल्टेज कैलकुलेट होकर आएगी उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा सोलर पैनल तेज धूप में अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जो भी वेरिएशन होता है धूप अगर सोलर पैनल पर पड़ती है तो वो एम्पियर में ही वेरिएशन होता है। तो अगर आप इसके एम्पियर देखेंगे, देखिए अभी धूप अच्छी खासी निकली हुई है, आप देख सकते होंगे कि सोलर पैनल की छाया पड़ रही है छत पर और यहाँ पर धूप अच्छी खासी निकली हुई है। तो अभी हम ल्यूमिनस के एम्पियर देखते हैं, बढ़ रहे हैं ल्यूमिनस के एम्पियर। तो एम्पियर इसके अभी आप देखेंगे तो 6.962 के आसपास इसके एम्पियर जाएंगे। तो इससे हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी वॉटेज 400.1 वॉटेज कैलकुलेट होकर आएगी। तो अब हम फ्रेंड्स लूम सोलर के सोलर पैनल की वॉटेज हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने लूम सोलर की वायर कनेक्ट की हुई है और इसका सर्किट कंप्लीट किया हुआ है और बाकी सोलर पैनल का सर्किट ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके एम्पियर हम चेक करते हैं। इसको स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा और जो मैक्सिमम एम्पियर जाते हैं उसी से ही हम इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसा कि हमने ल्यूमिनस के सोलर पैनल की कैलकुलेशन की थी। और दोनों पैनल पास ही पास लगे हुए हैं तो जो सनलाइट है दोनों सोलर पैनल पर समान रूप से पड़ रही है और दोनों के एंगल भी समान हैं और एक ही स्टैंड पर दोनों सोलर पैनल माउंट किए गए हैं। इन रीडिंग से जो वोल्टेज कैलकुलेट होकर आएंगे इससे आप सोलर पैनल की परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हैं। मतलब सेम टाइम पे हम दोनों सोलर पैनल की टेस्टिंग कर रहे हैं और यह है लूम सोलर का 375 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। इसके जो एम्पियर है कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, वेरिएशन काफ़ी हो रहा है इसमें। तो इसके लिए हमें थोड़ा और इसको मॉनिटर करना होगा, तब जाकर हमें एम्पियर की मैक्सिमम रीडिंग मिल पाएगी। तो इसमें भी जो वोल्टेज कैलकुलेट होकर आएंगे वह ओपन सर्किट वोल्टेज होंगे, कि मतलब वह इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है। इन्वर्टर से हमेशा ध्यान रखिए, जो इन्वर्टर से अगर सोलर पैनल कनेक्ट होगा तो उसकी वोल्टेज कम हो जाएंगी और उसमें वोल्टेज भी कम हो जाएगी। उसमें हम VMP का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो इसमें जो वोल्टेज कैलकुलेट होकर आएगी वो मैं आपको ओपन सर्किट वोल्टेज बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसके एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यह लूम सोलर का 375 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। तो यहाँ पर जो मैं वोल्टेज कैलकुलेट करूँगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज होंगी, कि मतलब जो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होंगी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, और यह वीडियो किसी से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखिए। तो जैसा जो परफॉर्मेंस सोलर पैनल धूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा आउटपुट ये सोलर पैनल धूप से प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ। सेम डे की टेस्टिंग है और सेम टाइम की टेस्टिंग है। तो जो पावर कैलकुलेट होकर आएगी तो आप उस पावर से इन दोनों सोलर पैनल की आप कंपेयर करके आप खुद ही इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पियर जा रहे हैं 9.2 के आसपास मैक्सिमम एम्पियर जा रहे हैं लूम सोलर के 375 वाट मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे लूम सोलर के। तो यहाँ पर इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं 42.3 वोल्ट। इस रीडिंग को लेकर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी 42.3 मल्टीप्लाइड बाई 9.2 एम्पियर, तो इसके जो टोटल वोल्टेज कैलकुलेट होकर आ रहे हैं
389.1 वाट जो कि ओपन सर्किट वाट हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा है। इसमें हम VOC का यूज़ कर रहे हैं वाटेज कैलकुलेट करने में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये दोनों के वाटेज ज़्यादा कैलकुलेट होकर आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइए। और जो अगर हम इसको इन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे तो उसमें VMP का यूज़ होता है, मतलब जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो कम होकर VMP रह जाती है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इन्वर्टर से कनेक्ट किए हुए भी इनके कंपैरिजन का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं अगर आपको ये सोलर पैनल परचेज करना है तो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।